खोजेंगे तो ही रास्ते मिलेंगे, खोजेंगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है कि खुद चलकर नहीं आती, हमें अपनी मंजिल की तरफ कदम उठाना ही पड़ता है, हमें अपनी मंजिल की तरफ कदम उठाना ही पड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से अति संभावित 25 अनूठे प्रश्न, और इनकी व्याख्या भी दी हुई है, आप लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये 25 अनूठे प्रश्न किस प्रकार के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में बटा हुआ था, विभाजित था। ए लोथल, वी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों धौलावीरा है। जो धौलावीरा नगर है ये तीन भागों में बटा हुआ था। व्याख्या आप लोग नीचे पढ़ेंगे, देख लीजिए कि हड़प्पा का जो पूरा स्थल धौलावीरा है ये कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ के रण के मध्य द्वीप खड़ीर में स्थित है। क्लियर। और धौलावीरा तीन भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई है, जो मध्य भाग उसे पुर कहा गया है। और इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा गया है। इस प्रकार से आप लोग पूरी व्याख्या देखेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, हम आप लोगों को PDF शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ए पसंदीदा शहर, वी माउंट ऑफ द डेड, सी रहने की जगह, और डी एक बाजार क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है या अर्थ है वो है माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। व्याख्या इसकी आप लोग खुद देख लेंगे, ये देख लीजिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, उसको आपको बताना है। ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, वी उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, सी सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, डी सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन के साथ जाएगा कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, सबसे पहले इन्होंने ही कपास का उत्पादन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या आप लोग इसकी जो है वो स्वयं पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ए दयाराम साहनी, वी राखाल दास बनर्जी, सी एस आर राव और डी आर एस बेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों एस आर राव ने 1957 में इसकी खोज खुदाई आरंभ कराई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले। ए वनावली, वी चनहुदड़ो, सी सुतकांगेडोर, डी सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से ही घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ए कालीबंगन, वी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। तो कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सभी आपके सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, जबकि पाटलिपुत्र है ये उससे संबंधित नहीं है। इसकी स्थापना बाद में उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। ए बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बी बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, डी बच्चे का विवाह किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ये उपनयन समारोह का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, व्याख्या आप लोग खुद देखें कि सत्यमेव जयते महाकाव्य, जो महावाक्य है, महाकाव्य नहीं सॉरी महावाक्य जो है वो कहां से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण से, ईसो उपनिषद से, सी मुंडक उपनिषद से, डी महाभारत से। तो इसका जो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद, कहीं कहीं मंडुको उपनिषद होता है तो वो भी याद रखें, चाहे मुंडक लिखा हो या मंडुको, वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी व्याख्या इसकी पढ़ेंगे आप लोग, देख लेते हैं हम लोग, बताते हैं आपको कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई, किसमें, मुंडको उपनिषद में ही बता, यज्ञ की जो तुलना है वो टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है,
यह भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक, डी उपनिषद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ब्राह्मण। जो वेदों का गद्य प्रकरण है वो ब्राह्मण कहलाता है। वेदों का गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? वो ब्राह्मण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ए योग दर्शन, वी वेदांत दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उपनिषद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ए वरुण, वी इंद्र, सी अग्नि, डी शिव। ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक ऋचाएं या श्लोक संबंधित है? तो ये इंद्र के लिए है 250, याद रखेंगे। इसके बाद अग्नि है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या इसकी आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, वी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो सबसे पुराना जो वेद है आपका वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ए अर्थशास्त्र, वी मनुस्मृति, सी न्याय मीमांसा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? ए सामवेद, वी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, मारुत या इंद्र या सावित्री। तो इसका जो राइट आंसर है सावित्री देवता को समर्पित है ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ए मत्स्य पुराण, वी विष्णु पुराण, सी नारद पुराण, डी वामन पुराण। इसका राइट आंसर दोस्तों है मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ए धनुर्वेद, वी शस्त्र शास्त्र, सी आयुर्वेद, डी योगवेद। इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है योगवेद, आपका कोई उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ए हवा के, वी तूफान के, सी वर्षा व चक्रवात के, डी अग्नि के। तो जो वैदिक देवता इंद्र हैं वो वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, महाजनपद काल से है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए जो भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक था। ए अजातशत्रु, बी सारिपुत्त, सी जीवक, डी राहुला। तो इसका जो राइट आंसर है जीवक वह प्रसिद्ध चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जैन बौद्ध धर्म से है कि गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र पवन सूत्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहां दिया? ए कपिलवस्तु, वी लुम्बिनी, सी बोध गया, डी सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सारनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर कि उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ए कौशाम्बी, वी कुशीनगर, सी बदायूं, डी चित्रकूट। इसका राइट आंसर है दोस्तों कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटक नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपशाखा पिटक, विनय पिटक। तो उपशाखा पिटक कोई पिटक नहीं है, अभिधम्म है, सुत्त है, विनय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहां लिया गया है? ए कुशीनगर, वी सारनाथ, सी श्रावस्ती, डी बामियान। तो इसका जो राइट आंसर है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां मिला या कहां प्राप्त हुआ? ए बोधगया, वी कुशीनगर, सी राजगृह, डी वैशाली। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनसे संबंधित पहले कुछ रिलेटेड स्थान देख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल। गृह त्याग क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण कहलाता है। राजगृह। ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में। मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो के बाद तुरंत आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ए हुमायूं का मकबरा, वी महाबोधि मंदिर समूह, सी कुतुब मीनार, डी लाल किला परिसर। तो इसका जो राइट आंसर है, महाबोधि मंदिर समूह से गौतम बुद्ध ने दुनिया को बौद्ध धर्म का अपना दिव्य ज्ञान दिया था। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।